नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सर्वेयर न्यूज में। मैं हूं पिंकी ढिल्लों आपके साथ। बात चाहे संस्था के विकास की हो, समाज के विकास की हो या देश के विकास की, बिना युवा वर्ग के ये सब संभव नहीं है। युवा हर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदारियों को अपना लक्ष्य समझकर उसमें जी जान से जुटकर मजबूती प्रदान करते हैं। जैन समाज में भी अनेकों युवा हैं, धर्म गुरु तथा बड़ों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन का पालन कर धर्म व समाज के लिए अपना श्रमदान करते रहते हैं। उन्हीं अनेकों युवाओं में से एक हैं रजनीश जैन अहीर माजरा, जो धर्म गुरुओं और बड़ों के मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग से धर्म और समाज के लिए बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने स्टार सवेरा के माध्यम से अपने विचार रखे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। रजनी जी, आपका स्टार सवेरा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वर्तमान में आपके सबसे आदर्श जैन गुरु कौन है? वैसे तो हमारे जो जितने जैन गुरु सभी हमारे आदर्श रहे हैं और सभी को आदर मान सम्मान देते हैं, लेकिन जो मेरे मतलब परम पूज्य गुरुदेव हैं उपाध्याय परवर श्री रविंद्र मुनि महाराज, उन्हीं की प्रेरणा से मैं समाज सेवा के जो इतने कार्य कर पा रहा हूँ या मैंने किए हैं, मैं उन्हीं की प्रेरणा है और उन्हीं को मैं अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? वैसे तो मैं काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं जैन कॉन्फ्रेंस में एक उच्च मतलब बड़े पद पर काम कर रहा हूँ। रोहिणी में थी फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी, उसका अध्यक्ष रहा हूँ। एक ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी, उसका अध्यक्ष रहा हूँ। रोहतक में है एजुकेशन सोसाइटी, उसका ट्रस्टी हूँ। और कॉन्फ्रेंस में मैं पहले प्रांतीय महामंत्री रहा, राष्ट्रीय प्रचार प्रसार मंत्री रहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पद पर कार्य किया है। वर्तमान में मैं दिल्ली प्रांतीय महामंत्री पद पर कार्य कर रहा हूँ। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस में आप किन किन पदों पर रहे हैं और इस संस्था से आप कब से जुड़े हुए हैं रजनी जी? संस्था से लगाव लगभग 20 साल, और मैं शुरू में इस संस्था से मेरा जो जुड़ाव हुआ, मैं राष्ट्रीय मंत्री प्रचार प्रसार युवा शाखा, उसके बाद दिल्ली महामंत्री युवा शाखा, उसके बाद मैं तीन तीन टर्म लगातार दिल्ली युवा अध्यक्ष रहा हूँ, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय प्रमुख मार्गदर्शक युवा शाखा, और वर्तमान में दिल्ली प्रांतीय महामंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और ये जिम्मेवारी हमारे हमारे मुझे बड़ों ने दी है और मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरूँगा। आप युवा हैं लेकिन समाज में बड़े बड़े लोगों के बीच आज आप अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये सब आपके लिए कैसे संभव हुआ और इसकी प्रेरणा और मार्गदर्शन आपको कहाँ से मिला? मैं युवा हूँ लेकिन मुझे सभी बड़ों का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है, चाहे हमारे संजय जी पंजाबी बाग हो, श्री प्रशांत जी हो, श्री अतुल जैन जी हो, मुझे सभी से प्रेरणा और आशीर्वाद सदैव इतना लगाव रहा है, तो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मैं इतने बड़ों के बीच में रह के कार्य कर रहा हूँ। और विशेष रूप से मेरे पूज्य गुरुदेव श्री उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज ने मुझे एक प्रेरणा दी थी, बेटा तुम्हें समाज में निरंतर भाव से सेवा भावना से कार्य करना है, कभी तुम्हें पीछे मुड़कर या कभी ये नहीं सोचना कौन छोटा है कौन बड़ा है, तुम्हें कार्य करना है और कर्मठता से और पूरी मेहनत से करना है। और मैं उसी आज्ञा को आदेश मानकर, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस 113 साल पुरानी संस्था है, आपके विचार से सबसे सफल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहे हैं? सभी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, विशेष रूप से श्री जेडी जैन साहब जो उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके कार्यकाल में ऋषभ विहार में चद्दर समारोह हुआ, रविंद्र जैन की सांस्कृतिक संध्या भजन संध्या हुई है, और उसके बाद मैंने जिनके कार्यकाल को नज़दीक से देखा, श्री अविनाश सुरड़े जी जैन, जिनके कार्यकाल में सेवा के इतने कार्य हुए, एक लड़ी लग गई, एक ऐसी नज़ीर पैदा हो गई, भाई ऐसे काम करेंगे तो ऐसे होगा ऐसे होगा। और वर्तमान में श्री पार्थ मोदी जी जैन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर आए हैं और उनसे समाज को सभी को बहुत उम्मीदें हैं और वे अपने कार्य कर भी रहे हैं। आप किस तरह कोशिश करेंगे कि जैन समाज अपने वर्चस्व की लड़ाई से बाहर आ सके? जैन समाज अपने आप में एक समृद्ध और विशाल समाज है, वो अपने सेवा से अपनी कर्मठता से इतने कार्य कर रहा है, उसके बच्चे से भी लड़ाई किसी है ही नहीं है। और जैन जो है, हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल समाज के साथ भी हम रह के काम करते हैं, कोई अग्रवाल संस्थाएं हैं उनके साथ भी हमारे भाई जुड़े हुए हैं, चाहे अग्रवाल हॉस्पिटल हो पंजाबी बाग हो, अग्रवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोनी वाला हो, तो बच्चे से भी लड़ाई तो है ही नहीं है, क्योंकि सभी आपस में भाई हैं, सभी अग्रवाल हैं, जैन हैं, बनिए हैं, सब भाई हैं। तो मैं खुद अग्रवाल समाज बुद्ध विहार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका लाइफ मेंबर हूँ। हमारे दर्शकों और जैन समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी कार्य ले या जो भी पद पर आए या जो आप में अपने संकल्प ले उसको पूरा करें, किसी चीज़ को काम को छोटा ना समझे, उसको काम की अहमियत कम ना समझे, उसको तन से मन से धन से उस काम को पूरा करें।
और अगर पूरा करेंगे तो समाज उसको आप 100 गुना वापिस लौटा कर देता है। ये मेरी अपनी खुद की मन की भावना और मैंने इसको खुद एहसास किया है। तो ये थी रजनीश जैन अहीर माजरा से एक खास मुलाकात। बाकी खबरें और न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार सवेरा न्यूज। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।